जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें ना हमारे बिहार किसान प्रवीण सर का एडुटेरिया का हम देखेंगे, बिहार दरोगा प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर 1। ठीक है, क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। साथ में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बातापी कोंड की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद ये किस वंश के थे? तो पल्लव वंश के थे और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है, और उसकी राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी आपका कांचीपुरम, और जो महाबलीपुरम में एक एकाश्म मंदिर है तो इसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और ये पल्लव वंश जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन देखिए, जैसे महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, लेकिन वही बात किया जाए कैलाशनाथ मंदिर का, तो कांची स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ठीक है, तो मंदिर बनाने का कला का जो विकास है सबसे पहले आपका गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और गुप्त काल, ऐसे देखिए गुप्त काल को हम क्या कहते हैं कि भारतीय इतिहास का ये स्वर्ण काल भी है। ठीक है, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। वहीं गुप्त संवत की बात करें जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था, 319 से 20 के ईस्वी के लगभग हुआ था गुप्त संवत। ठीक है, और वहीं उसके समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है, और हरिसेन जो बहुत प्रसिद्ध कवि थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, लेकिन अगर गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात की जाए तो वो हो जाएंगे विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? ठीक है, तो यूनानी शासक मिनांडर को जो है पराजित पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो ये जो है इन्होंने अपने कार्यकाल के समय जो है दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, और जो शुंग वंश है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी आपकी विदिशा हो गई। और भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया अगर ये क्वेश्चन रहे तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था देवभूति। ठीक है, और जो हमारे पतंजलि हो गए है ना, योग जो है इनकी देन है पतंजलि, तो पतंजलि जो है ये किसके सभा में रहते थे? तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो ये 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म आपका 345 बीसी में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, और ये किसने पता लगाया? तो ये बात सबसे पहले जो है विलियम जॉन्स ने बताया था कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे जो हम लोग जानते हैं, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईस्वी में। ठीक है, और ये किस धर्म से संबंधित थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए थे, फॉलोअर हो गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कहाँ पे धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये भद्रबाहु से। ठीक है, जैन के जो गुरु भद्रबाहु जो हुए उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगर पूछे कि इन्होंने किस विधि से अपना जो शरीर त्यागा था तो संलेखना विधि। ठीक है, और कहाँ पे? तो श्रवण बेलगोला। ठीक है, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद की अगर बात करें तो हमारे चार वेद हैं, उसमें से सबसे अंतिम वेद जो आया है अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है,
और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, ठीक है। साथ में अथर्ववेद में जो है कन्याओं को यानी बेटियों की जन्म की निंदा करता है, ठीक है। और इसी वेद में क्या बोला गया है कि सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ठीक है। उसके बाद गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं 6 नंबर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मोरक्को के रहने वाले थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी, रेहला थी, ठीक है। और ये किसके समय आए थे, तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट है कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये विभाग का नाम है और एक तरफ शासक का नाम है। तो दीवाने खैरात, दीवाने खैरात एक दान विभाग था और वो उसका शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक, तो सही है। दीवाने अर्ज की बात करें तो ये आपका बलवन था और ये कौन सा था, सेना विभाग था, सैन्य विभाग था, ठीक है। दीवाने कोही यानी कृषि से रिलेटेड, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो तीन तो सही हो गए, तो इसका मतलब गलत कौन सा हुआ, दीवाने मुस्तक राज, ये फिरोज शाह तुगलक, ये गलत है। क्योंकि दीवाने मुस्तक राज अगर है तो वो उसका कौन थे, तो उसका था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1562 में अकबर ने जो है स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। और उसी समय दास प्रथा का अंत भी अगर कहा जाए तो 1562 में ही अकबर ने किया था, ठीक है। इसके साथ अकबर की पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अब वहीं अगर अकबर ने बात की जाए कि बिहार प्रांत को कब जीता था, तो वो 1574 से 75 ईस्वी में जीता था, ठीक है। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे, ये प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है। अगर बात करें कि जैन धर्म गुरु हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो ये अकबर ने आपकी दी थी, ठीक है, अकबर ने दिया था। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अली बर्दी खां, ठीक है। अली बर्दी खां को जो है उस समय बंगाल का स्वर्ग कहा जाता है, अली वर्दी खां के समय में, ठीक है। तो ये 1740 में शासक बनते हैं, ठीक है। सत्ता संभालते क्या करते हैं कि मुगलों को जो है अपना रेवेन्यू देना बंद कर देते हैं, राजस्व देना बंद कर देते हैं। और उसके बाद अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी की बात करें तो वो आपका हो गया सिराजुद्दौला। अब ब्लैक होल की घटना हुई थी, ठीक है, तो वो कब हुई थी, तो सिराजुद्दौला के समय ही घटित हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था, ठीक है। बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। अगर कहते कि बंगाल का शासक उस समय कौन था, तो मीर जाफर था, ठीक है, बक्सर के समय की बात हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं 10 नंबर, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम देखें तो उनका कार्यकाल जो है 1774 से 85 ईस्वी तक था, ठीक है। और उसका जो है 1781 में, इसी के कार्यकाल के समय 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा जो है इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। अगर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बात करें इसके समय में हुआ था, तो ये कब हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा, तो ये आपका 1775 से 82 ईस्वी में, ठीक है। और इसी के समय 1784 में हुआ था कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, और जोनाथन डंकन, ठीक है, जिन्होंने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में, तो ये सब इन्हीं के कार्यकाल के समय का है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था इसके प्रभावी लागू,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये प्रभावी लागू हुआ था। ठीक है, उसके समय में उसका जो कब विभाजन की अगर घोषणा की बात की जाए कि अनाउंसमेंट कब की गई थी, घोषणा कब की गई थी, तो आपका 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, लेकिन लागू होते होते जो है 16 अक्टूबर 1905 को पूरे तरीके से लागू किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन जो है उस समय वहाँ कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, और उनके कुछ देखते हैं कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ। तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में आपका सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसमें से एक एंचिसन आयोग है जो सिंचाई आयोग से रिलेटेड रखता है, ठीक है, संबंधित है। और 1902 में जो है फ्रेजर आयोग है ना, फ्रेजर आयोग की स्थापना हुई थी, जिसको पुलिस आयोग या जो फ्रेजर थे उसके इसे किया गया था, तो पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेजर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1904 में क्या हुआ था कि विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के समय ही हुआ था। ठीक है, और 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगे। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमिज विद्रोह का संबंध आपका झारखंड राज्य से है। ठीक है, इसके कुछ और देखते हैं कि विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है झारखंड से रिलेटेड है कौन कौन सा है। तो पहला आपका चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह देखिए दो बार हुआ है, हम लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि एक बार हुआ है, लेकिन चेरो विद्रोह जैसे दो बार हुआ है, पहला चरण कब हुआ था भाई, प्रथम बार, तो 1770 से 71 तक हुआ था। ठीक है, ये एक साल चला था चेरो विद्रोह। फिर दूसरा बार जब हुआ था तो 1800 से लेके 1819, यानी 19 साल चला था चेरो। ठीक है, उसके बाद अगर कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह आपका 1831 से 32, वहीं संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 56, और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद चटर्जी ने ये बात कही थी। अगर हम अरविंदो घोष की बात करें तो उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में कि क्षय रोग से मरने वाली ये संस्था है। ठीक है, अगर लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है, ठीक है, और मेरी ये प्रबल इच्छा है कि मैं उसको शांतिपूर्ण मरने में मैं मदद करूं, ये बात लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमिटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कब की गई थी? ठीक है, तो ऐसे तो जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, लेकिन इसका जो हंटर कमिटी का रिपोर्ट था वो आपका जो है प्रकाशित की गई थी 1920 में। ठीक है, 28 मई 1920। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो आपका भारतीय विद्रोह पुस्तक के लेखक हैं सैयद सर सैयद अहमद खां, ए नंबर। ठीक है, और जैसे कि और कुछ हम देखते हैं कि अगर वीर सावरकर की बात की जाए तो उनकी पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मोहम्मद इकबाल की बात की जाए तो उनका पुस्तक है तराने हिंद, ये उनकी बुक है, और सचिंद्रनाथ सान्याल की है द रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं 16 नंबर, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का अगर पूछा जाए कि कौन संगम स्थल क्या कहलाएगा तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसी तरीके से अलकनंदा और भागीरथी की बात की जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा, देव प्रयाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो ये बेसाल चट्टानों के टूटने से बनती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं कि कपास की खेती इसमें ज़्यादा होती है। और ये कहाँ मुख्यतः पाई जाती है, तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये सब एरिया में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें कार्बनिक पदार्थ के अलावा क्या क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, चूना होता है ना, आयरन तत्व होते हैं, आयरन मिनरल्स होते हैं, लौह तत्व होते हैं, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन जोड़ती है, तो ये डंकन पास, ठीक है, डंकन पास जो है आपका इन दोनों को जोड़ती है। वहीं पाक स्ट्रेट की बात करें तो वो भारत और श्रीलंका को, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो वो अंडमान और निकोबार को, तो कौन सा अंडमान, तो ये आपका जो लघु अंडमान और कार निकोबार को जोड़ती है। ठीक है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं, तो ये आपके हो गए 19 का आंसर आपका हो गया हिमाद्री। ठीक है, ये हिमाद्री का भाग है, यानी हिमाद्री को और क्या कहते हैं, तो बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और हिमालय की इसकी ऊंचाई औसत कितनी होती है, तो ये 6,000 मीटर लगभग इसका एवरेज हाइट है। इसमें आपका बात करें कौन कौन सा पर्वत है, तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, सब जो है इसी हिमालय का, यानी इसी हिमाद्री या बृहद हिमालय के जो भाग हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4। कौन कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ये काराकुम रेगिस्तान आपका तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, और ये लगभग कितना, 11 देश का बॉर्डर जो है इसको टच करती है काराकुम रेगिस्तान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिनीपेग झील जो है रूस में नहीं है, ये कनाडा में है। और बाकी जो है ओनेगा, लाडोगा, बैकाल, ये सब रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो ये आपका कैस्पियन सागर हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ। और बाकी अंडोरा, माल्डोवा, मलावी, ये सारे लैंडलॉक कंट्री हैं, जबकि पलाऊ जो है लैंडलॉक या भू आवेष्टित देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर गिरनार की बात की जाए, गिरनार सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिधर की पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, आपका सिवान, गोपालगंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स से है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगर कह देगा कि एलके झा समिति का संबंध, तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर से है। और बांचू कमेटी का संबंध कह देगा, तो बांचू आपका जो है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया, तो अगर हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करें तो ये आपका फरवरी 2015 में आया था। सागरमाला परियोजना की अगर हम बात करें तो ये आपका मार्च 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना तो ये जनवरी 2015 में, और भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में, इसलिए हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरी। दूसरी में अगर हम बात करें कि कौन कौन सा था, तो ये दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया और राउरकेला, ये तीन हो गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो है टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पे प्राप्त किए जाते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट यानी रिवर्स रेपो दर। और वहीं अगर बात कर ली जाए कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर देती है, ठीक है, नगद राशि देती है उसे कहते हैं रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो ये आपका है 7वीं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसका ये है। ठीक है, अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची में, तो मूल संविधान में अगर हम देखें कि अनुसूची के बारे में देखें तो मूल संविधान में आपका 8वीं अनुसूची था। ठीक है, और इसमें बाद में क्या हुआ कि 4 और जोड़ा गया और अभी जो है 12 अनुसूची यानी 12 शेड्यूल है। और अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की, तो इसमें आपका 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि ये 3 हो गए। ठीक है, संघ राज्य, ठीक है, चलिए संवर्ती सूची, ये 3 सूची हो गई, ये आपका 7 शेड्यूल में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो ये हम प्रस्तावना में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो ये आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार की बात करें तो 14 से 18। ठीक है, और अगर सामाजिक भेदभाव का जो बात हुआ तो ये हो गया 14 से 18 समानता का अधिकार में है। ठीक है, नेक्स्ट है किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के अधिकार प्रदत्त की गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन में इसके द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी मैटर मंत्रिपरिषद से आता है तो मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन फिर से जब वहाँ से फिर से वो चीज़ आ जाएगा, वो बिल आ जाएगा इसके पास, राष्ट्रपति के पास वो विधेयक, तो वहाँ पे उस वो राष्ट्रपति जो है उसको मानने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, उसको बाध्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये आपके जीबी मावलंकर थे। ठीक है, और उनके विरुद्ध में ही जो आपका है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अलग बात है कि उस समय लोकसभा में क्या हुआ कि उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, अस्वीकृत किया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो देखिए 15 जून 2005 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी अधिकार अधिनियम को। ठीक है, और 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 यानी ए। और अगर कह दे कि लागू कब किया गया था सूचना का अधिकार को, ठीक है, आरटीआई की बात हो रही है, तो ये आपका जो है अक्टूबर 2005 में हुआ गया था। ठीक है, और ये किसको लाए थे उस समय, जो है कौन लाए थे सूचना का अधिकार? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, हमारे प्रिय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये आपका पंचायत सेक्रेटरी करता है यानी पंचायत सचिव करता है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? पहला है कि संसद तथा राज विधान मंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो ये बात सही है कि संसद तथा राज विधान मंडल को जो है इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव कराने का, इलेक्शन कराने की जो पावर है वो निर्वाचन आयोग को, इलेक्शन कमीशन को दी गई है आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है, अगर हम बात करें कि निर्वाचन जो वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड का आर्टिकल कितना होता है, तो 325। ठीक है, 325, आर्टिकल 325 के तहत वोटर कार्ड का वहाँ पे मतलब
बोला गया है, ठीक है, उसमें। उसके बाद अगर कथन बी देखें, स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, तो ये सही है लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है, और ये इसका जो है सही से जो है एक्सप्लेन मतलब नहीं कर रहा, स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्यों स्पष्टीकरण नहीं कर रहा? क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो मेन होते हैं निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो क्या करते हैं कि वो सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से, और इस तरीके से फिर वो जो है निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हिंदी को राज्यसभा के रूप में मान्यता कब दी गई, ठीक है। 39 का क्वेश्चन हो गया कि हिंदी को राज्यसभा के रूप में मान्यता कब दी गई। तो ये 1949 में इसको जो है मान्यता दी गई थी, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है ना, और इसलिए हम लोग जो है प्रति वर्ष हर साल क्या करते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है आपका, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ये है आपका कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ठीक है, ये है आपका। तो 41 का आंसर हो गया ए, ठीक है। इसके साथ ही हम कुछ और देखेंगे। अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैस का जो थ्योरी है, या फिर कहें कि ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट है, वो उन्होंने किसने दिया था? तो ये जोसेफ फोरियर ने दिया था, ठीक है। जोसेफ फोरियर ने जो है हरित गृह प्रभाव का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ये है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैसे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है पौधा जो है CO2 को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते, ग्रहण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वो अपना जो है ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो हमारे जीवन के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत लाभदायक होता है। वहीं अगर CO2 की बात करें तो पौधों के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन भूमंडलीय तापन की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है CO2 जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारा जो जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी वो बढ़ने लग जाता है, और वो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग हानिकारक होता है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये है जैव सुरक्षा समझौता से, ठीक है। कार्टेजिना प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल ट्रीटी था, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 29 जनवरी 2000 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। और ये प्रभावी कब हुआ, कब ये जो है पूरे मतलब इफ़ेक्टिव हुआ, कब प्रभाव में आया ये? तो ये आपका 2003, 3 साल के बाद जो है ये प्रभाव में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर पारित जो है कितना हुआ था, तो ये आपका जो है 9 सितंबर 1972 को ये पारित किया गया था। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेचर क्योर, ठीक है। नेचर की ओर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि विसर्जन, द कोड डांसर और गार्डनर ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है कि
कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी, ठीक है। 1937 में इनको जो है नॉमिनेट किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए, ठीक है, और अंतिम बार जो है 1948 में भी इनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका वियना में है, ठीक है। अगर UNIDO का जैसे वियना में है यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका वियना हो गया। वहीं गैट की बात करें तो गैट आपका जो है जेनेवा में हो गया, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC तो ये लुसाने हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिशेप आपका न्यूयॉर्क हो गया, और यूनेस्को का आपका जो है पेरिस हो गया, WTO और WHO ये जिनेवा में हो गया, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ए, Luna 9 जो है पहला बार सफलतापूर्वक उतरा था, ठीक है। कब? तो 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। और Luna 3 की अगर हम बात करें तो उसके बारे में ये जानना जरूरी कि ये क्या किया था कि चंद्रमा पे पहली बार जो है चंद्रमा का जो पृष्ठ का चित्र भेजा था, पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है उसका फोटो भेजा था। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा 50 का आंसर आपका जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पे प्राचीन काल में अगर बात करें तो एक बौद्ध मठ था, महाबिहार था, ठीक है। तो चलिए आपका 50 क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स हमने 50 क्वेश्चन कर लिया, 50 क्वेश्चन हम अगले ये में देखेंगे, और प्लीज़ आप लोग इसको बना के एक बार देखिएगा और किसका कितना नंबर आ रहा है उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला वाला जो है मैं जल्दी उसको अपलोड कर दूँगी, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी, ठीक है। जय हिंद।